तो गाइस टाइम आ गया है आप बुलेट प्रूफ हेलमेट टेस्ट करने का। हर तरफ से बॉम्ब फिट हो चुका है। और थोड़ा पता चल जाएगा ना। ओ टूट गया, खत्म। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है दीपावली और लाइटिंग का काम चल ही रहा है। तो आज इस बार हम दिखाने जा रहे हैं बुलेट प्रूफ हेलमेट, जो कि तीन वेराइटीज़ का, स्पेशली ज़्यादातर वो सभी आर्मी लोग डिस्पोजल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो दिखाएंगे और उसका टेस्ट भी करेंगे एक्चुअली में बुलेट प्रूफ है भी या नहीं, मतलब बुलेट फायर करके नहीं, वो बॉम्ब फायर करके चेक करेंगे, जो कि चॉकलेट बॉम्ब और जो भी बॉम्ब है सब यूज़ करेंगे उसमें, अनार बॉम्ब, चॉकलेट बॉम्ब जो भी है सब यूज़ करेंगे उसमें। देखते हैं कौन सा झेल सकता है और उसका प्राइस। तो सभी झेल लेगा पर देखते हैं। हम लोग को मतलब थोड़ा अलग करने का मन होता है, इसलिए बस सोचे कि ये करते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं इसी बात पे, और आप लोग को दिखा भी देंगे कि कैसा है नहीं है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वो हेलमेट है, बुलेट प्रूफ हेलमेट, जो कि ओरिजिनल इशू वाला आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसी का फोटो आएगा, आप गूगल पे भी देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो कि ये ओरिजिनल है भी नहीं या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये सेम चीज़ है, तो मतलब आर्मी लोग तो जो लोग देख रहे हैं उन लोग को पता चल ही गया होगा कि ओरिजिनल है। तो ये देख लीजिए अंदर में जैसे जैसे आता है उसी तरह से, ये स्पेशली डिस्पोजल करने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं आप। अच्छा कंडीशन ही इसका, ज़्यादातर अच्छा कंडीशन में आता है 90%। और ये देखिए ओरिजिनल जो है सरकारी वाला है, तो ये 9 mm तक झेल देता है जो भी लिखा हुआ है। और इसका जो है काफ़ी ज़्यादा थिक है, और इसको मेरा को नहीं मालूम बुलेट प्रूफ झेलता है या नहीं है, इधर साइज़ भी लिखा हुआ है L, लेकिन ये बुलेट प्रूफ है तो इसको हम टेस्ट करेंगे। ये अभी नया इशू हो रहा है, पहले तो दूसरा टाइप में आता था, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल ये आप देख लीजिए और इसको आप बाई कर सकते हैं ज़्यादातर डिस्पोजल करने के लिए। ये न्यू मॉडल आ रहा है, और हाँ हम आपको बता दे रहे हैं ये आप बाई करेंगे तो ये बस 2017 का मॉडल है, 2017 का मॉडल है, ये देख लीजिए। और ये बस आर्मी के लिए हम पहले बता दे रहे हैं, जो भी लोकल लोग देख रहे हैं वो इसको बाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ओरिजिनल है, अगर देख लिया पकड़ लिया तो बस हो गया फिर, तो इसलिए ये बस आर्मी लोगों के लिए है। और अब आपको दिखाते हैं दूसरा हेलमेट, जो किसी का तरह है वो बस डिस्पोजल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बस इसी का तरह ऐसे, मतलब डिस्पोजल करने के लिए जमा होगा। वो BSF का है, मतलब उसको BSF का था, हम लोग पेंट करके इस तरह बना दिया है। तो वो भी आपको दिखाता है, जो कि यहाँ पे है, उधर में है, उधर में है हेलमेट, तो यहाँ पे है। ये देखिए निकालता, उतार उतार कैमरा, पता नहीं इतना धुलधुला का आ रहा है, उतार तो। ये ओल्ड मॉडल है, ये ओल्ड मॉडल नहीं है, ये BSF का, या फिर कौन सा BSF का था, ये दूसरा था, CRPF का है ये। तो ये हेलमेट भी उसी तरह है लगभग, ये जमा करने के लिए आप आराम से यूज़ करता है, अगर आपका जमा नहीं होता है तो ये रिटर्न हो जाएगा, 100% गारंटी जमा हो जाएगा अगर आप जमा करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी ओरिजिनल है, इसको भी यूज़ करेंगे। ये तो उससे सस्ता में आया था, इसलिए जो फौजी लोग मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते उसके लिए तो ये भी जमा, हाँ वो ये जमा करने के लिए स्पेशली अगर आपको मतलब थोड़ा ये है तो ये यूज़ कर सकते हैं, 90% चांस है कि जमा हो ही जाएगा। लेकिन ये बात है कि जमा ना होने पर फिर आपको थोड़ा झमेला हो जाएगा, इसलिए आप वही लीजिए। तो ये स्टिकर डुप्लीकेट है, जो कि हम खुद से उसी का डुप्लीकेट बनवा करके इधर में प्रिंट करा दिया है, जो आप लोगों जो जो और इसका जो इस नंबर देख रहे हैं आप, वो हेलमेट कलर, वो हेलमेट नंबर, हेलमेट कलर सब में इसमें जो है एक ही दिखेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट है, ये हम ही बनवाया है स्पेशली जमा करने के लिए। और ये जमा करने के लिए ये ऐसे कोई काम का नहीं है, ये बस डंडा का वार झेल सकता है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, जब बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट होता है तो जो डंडा उंडा का जो वार होता है वो झेल सकता है, बुलेट प्रूफ नहीं है ऐसा मेरा को लगता है। और इसमें हम गूगल में सर्च भी किए तो ये बुलेट प्रूफ नहीं है, और वो वाला ओरिजिनल बुलेट प्रूफ है, तो ये आप देख ही सकते हैं। तो इसको जमा करना है वो आप लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात है कि इसमें थोड़ा झमेला हो जाएगा, अगर ये जमा नहीं होता है तो टाइम लग जाएगा जाने में आने में, क्योंकि ऑलरेडी जाने में जो है 8 से 9 दिन ज़्यादा से ज़्यादा टान ही लेता है। अगर आपका जैसे महाराष्ट्र हुआ, पुणे हुआ, जैसे दूर दूर हुआ, तो ये आराम से ये टाइम टान लेता है। और ये नीचे है बॉम्ब रखने वाला, तो इसको हटा देता है। ये जमा करने के लिए स्पेशली आप ले सकते हैं, यहाँ पार्सल भी पैक हुआ हुआ है, जो कि हम नहीं दे पाए थे दीपावली के कारण, आज छुट्टी है, तो इसको हटा दो, अंदर से ओल्ड मॉडल वाला निकाल दो बुलेट प्रूफ, और ये पीछे में भी है, निकाल दो। इसका नंबर हाइड कर दे, नंबर कहाँ दिखाई देगा उसमें, हाइड ही कर देगा ना, थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन निकालना। ये
ये पहले का बुलेट प्रूफ, ये तो बस खत्म हो गया, जमा करने का काम में आएगा, ऐसे कोई काम का नहीं है। तो ये तो प्राइस भी बगल में 100 आ रहा होगा। हाँ, तो इसका प्राइस भी कम है, वो देखिए सभी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस है, ओरिजिनल जो है उसका प्राइस ज़्यादा है। तोड़ देंगे और यहाँ पे बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी पूजा होने वाला, उधर लक्ष्मी माँ हम लोग का उधर में है, तो इधर में हम लोग पूजा वूजा करेंगे, उसके भी साइड में नीचे दिखाते हैं आपको। तो ये जो है ये ओरिजिनल मतलब बुलेट प्रूफ ही है, लेकिन ये पुराना जमाना का है, पहले जमाने में ये आता था, और इसमें बुलेट लगा हुआ भी है, बुलेट दिखाते तो उधर पीछे में बुलेट लगा हुआ है। ऐसे कहाँ गया, इधर बुलेट लगा हुआ तो दिख रहा था अभी। हाँ ये देखें, ये बुलेट हम लोग के पास था जो कि हाँ एक हम लोग का था जो कारगिल वाल का था मेरे ख्याल से, जो कि यहाँ पे पूरा एकदम पूरा साफ दिख रहा था, ये बुलेट घुसा हुआ है, यहाँ से घुसा हुआ है, पीछे से निकला हुआ पूरा एकदम, मतलब 3-4 पीस ऐसा आ जाता है। तो अभी खोजने से तो मिल जाएगा, लेकिन अभी झमेला है उसमें बहुत ही ज्यादा, और ये तो उतना मजबूत नहीं है, ये मजबूत नहीं है, लेकिन इसको भी चलना हथौड़ा मारता है ना, टेस्ट कर लेता है। एक्चुअली में एक बात है, इसका अंदर में बहुत सारा वो रहता है। हाँ ये पूरा सेट आता है, लेकिन ये अभी फिलहाल कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो जमा करने के लिए, ये तो अभी पुराना हो गया, फिर भी इसको हथौड़ा मार के टेस्ट करते हैं, लगाना देखते हैं ना, मारना मार तो, अरे करना नीचे मारना, ऊपर में मत रखना, क्या कर रहा है तू, रखना इसको ऐसे पलट मार इसको हथौड़ा से। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे इसको मार करके होता है कि नहीं, क्योंकि पुराना है तो वो बुलेट प्रूफ पे, तो न्यू मॉडल का तो मेरा पूरा भरोसा है, इस पे थोड़ा डाउट है मेरा को। क्या है क्या है, अरे तू क्या कर रहा है, माथा में काय पहन रहा है, अरे पेन ये डू ये कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, चोट लगता है कि नहीं वो पता चलेगा ना। हाँ उधर में ये पुराना है, लगेगा ना माथा फटा जाएगा, लग रहा है अभी ने तो अंदर खोखला है लगा तो इसका तो पूरा खोखला है, अंदर का पूरा खोखला है, तो स्पॉन्ज थोड़ी ना, ये तो लगेगा ही पूरा अंदर से, तो पीछे से देख पूरा खोखला है, खाली ये कवर है, मेन बुलेट प्रूफ ये है, तो इसमें तो नहीं लगेगा 100%। हाँ उसमें नहीं लगा, इसमें स्पॉन्ज दिया हुआ है, इसको लगाते हैं, मार तो थोड़ा तोड़ देना, टूट जा रहा है, नहीं टूटा, चल और जोर से मारना, ओ टूटना टूटने वाला है, टूटना मार 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 और मार दे और थोड़ा, पता चल जाएगा ना, ओ टूट गया खत्म। तो ये देखिए एटलीस्ट 10 हथौड़ा खाने का बाद ये टूटा है, पूरा जी जान लगा के मारे, हाँ ऐसा नहीं मत समझिएगा। तो ये तो देखिए बहुत आसानी से फट गया, और वो तो नहीं फटने वाला, वो नहीं फटने वाला, क्योंकि मेरा को वो भरोसा है, उसको फिलहाल रख देते हैं, उसमें मार के टेस्ट करते हैं। हाँ उस पे उसको मारते हैं, हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन वो ही नहीं टूटेगा। लेके आ जा, आज फिलहाल ये पूजा है, तो देखिए हम लोग लाइटिंग वाइटिंग लगाया है, और दुकान कुछ ऐसा लग रहा है, और आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं अगर आपको कुछ ध्यान में आ जाए तो आप बाय कर सकते हैं वो भी। ये देखिए तो इसमें स्पॉन्ज लगा हुआ है यहाँ पे, और बगल वाला दुकान में हम लोग सजा दिया है, क्या कर रहा है, हाँ अंदर से लेके आ जा। तो यहाँ पे कॉस्मो का भी स्टॉक है अभी, और पीछे में भी रखा हुआ है, पीछे में देखिए न्यू स्टॉक आया है जो कि हम आपको दिखाएंगे पीछे में। ये देखिए पूरा बोरा बोरा, ये नीचे में है एक बोरा, और इसमें ग्लव्स व्लव्स बहुत कुछ है, जैकेट वगैरह है, और उधर में देखिए पूरा चपाया हुआ है न्यू स्टॉक, तो उधर में भी एक बोरा, मतलब बहुत सारा, उधर देखिए पूरा धान लगा हुआ है, तो बहुत सारा स्टॉक है, जैकेट वगैरह, तो वो लिबर्टी का पूरा स्टॉक इधर पड़ा है, लिबर्टी का ये देखिए ये सब पूरा नीचे तक एकदम गिया हुआ है, यहाँ पे भी जूता तो न्यू स्टॉक आया हुआ है बहुत सारा, तो वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी देखा जाए तो हम उसे माथा में मारे तो मेरा को चोट नहीं लगा, बस ना पूरा माथा में भार ऐसा लगा, वाइब्रेट हो जा रहा था, क्योंकि इसमें देखिए स्पॉन्ज दिया हुआ है और इसमें नहीं दिया हुआ है, देखिए इसमें स्पॉन्ज दिया हुआ है, उसमें स्पॉन्ज नहीं है, तो इसमें मारते हैं, ये हम लगा के मारे, तो इसमें मारना, ये स्पॉन्ज है बीच में, फिट नहीं तो वाइब्रेट करेगा। हाँ लगा, साफ है ना, इसको तो हम पेन के बुलेट चलाते हैं। हाँ ये अगर आप बुलेट राइड करते हैं तो उसमें काफी राइड करते हैं, और आप लोग ये देखिए सॉक्स भी, हम लोग सॉक्स भी इसी का है, खुद यूज करते हैं, और अभी तो आप देखिएगा जब ठंडा गिरेगा तो हम स्वेटर वेटर सब अपना दुकान में पहनेंगे। हम लोग मतलब ज्यादातर खुद ही का जूता यूज करते हैं, मतलब ये तो अभी हम लगाए क्योंकि फॉर्मल मेरा को कुर्ता में ये सूट करता है, ये देखिए ये हम लोग खुद का दुकान का यूज करते हैं टच जूता, मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, लेकिन इसको तो देखना बॉम से उड़ा देगा, हम लग रहा है मरे क्या, तो देखते हैं ट्राई करके, पापा आ जाएंगे तो बोलेगा कि क्या कर रहा है, ढीला है, ढीला है क्या, लगा फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा।
मेरे एक हाथ से पकड़ के करने में नहीं बन रहा है ना, लगा नहीं लगा मेरे को। ये पहला बेवकूफ जो अपने आप को मार रहा है। अपना पैर में कोलारी मारने का, अपना पैर में हथौड़ी मारना, नहीं अपना माथा में हथौड़ी मारना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं है। मार तब से जी जान। अरे मारेगा, मेरा हाथ में ये है ना, जोर से नहीं मार पा रहा है। नीचे रख के, नीचे नीचे रखते हैं कि चोट तो लग नहीं रहा है, चोट नहीं लग रहा है, नीचे रखते हैं क्योंकि आप लोग का तसल्ली के लिए, नहीं तो आपको थोड़ा क्लियर तो कर दे एक्चुअल में ये है क्या चीज। एकदम जोर से मार रहे थे, मारेगा वो लकड़ी टूट जाएगा मशीन तो है ना ये, हम लोग के नीचे चला जाएगा। हाँ ये बात है इस पे, क्योंकि ये तो बुलेट प्रूफ है तो इसका टूटने का चांस नहीं है, लेकिन अरे हथौड़ा टूट गया असली में ही, टूट गया ये देखिए, अरे ये देखिए हथौड़ी टूट गया असली का, सच में हथौड़ी टूट जाएगा, दो तीन हथौड़ी मारने तो खुल ही जाएगा। और याद है पूरा दांत पकड़ लिया, ये नहीं टूटेगा मेरा पता है ना, लोग जोर से एकदम लगना चाहिए, नहीं तो सब लोग पता नहीं चलेगा कितना जोर से मार रहा है हम लोग। हाथ में चोट लग गया, देखना हथौड़ा ना टूट जाए, कलर उखड़ गया, बुलेट प्रूफ हेलमेट है, हथौड़ा से टूट जाएगा तो क्या फायदा, हथौड़ी देखना पूरा ढीला हो गया, खुल के गिर जाए। हाँ देखिए हथौड़ी हथौड़ी ढीला हो गया, चॉकलेट इसमें बॉम्ब टेस्ट करेंगे, हथौड़ी का टेस्ट तो पास कर दिया है, और वो वाला लेके आया, इसको छोड़ ओरिजिनल वाला को हटा, डुप्लीकेट लेके आ, मतलब सीआरपीएफ का, वो तो वो भी टूट जाएगा, वो ना हल्का मारना ना, देखना इसको रखना, इसको रख, इसको अंदर डाल देते हैं क्योंकि ये बाहर देखने से क्रिक्सी है थोड़ा, ये एक्चुअल हम लोग छुप छुपा के बेचते हैं, और यहाँ हम लोग का फायर ब्रिगेड का भी वो पाइप रखे हैं, मतलब ये बुलेट प्रूफ, मतलब सभी चीज़ ज़्यादा स्टॉक रखते हैं, और ये पहाड़ में चलने वाला कांटा, तो इस तो हम लोग के पास ये नया बुलेट प्रूफ ओरिजिनल जैकेट, इसका बारे में कभी हम बाद में डिटेल में बताएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सोच रहे कि इसको पहन के और आर्मी वाला टोपी भी लगा के युद्ध खेलने जाएं। चलना रखना, बाद में कॉमेडी करना, पहले लेके आ। ये वीडियो तो हम शूट दीपावली में कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये हम पोस्ट कब कर पाएंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दो वीडियो पड़ा हुआ है, मतलब एक वीडियो और थंबनेल पूरा कंप्लीट है, और दूसरा भी वीडियो पड़ा जो कि कल तक अपलोड हो जाएगा, मतलब एक दिन दीपावली के बाद, और एक वीडियो पूरा वो भी कंप्लीट है, वो भी एडिट मारने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा, और ये वीडियो भी हो ही रहा है, तो लगभग तीन वीडियो, लेकिन अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मतलब पूजा वूजा के कारण, और थोड़ा अभी छठ पूजा भी आने ही वाला है सब चीज़, तो ये मतलब ये मंथ लगभग हम थोड़ा बिजी रहेंगे, और उसलिए थोड़ा लेट से भी रिप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया है हेलमेट, तो आप टेस्ट करते हैं सबसे पहले चढ़ने का वजन क्या कर रहा है वजन, हम कितना किलो का था, 70 किलो, 70 किलो, 70 किलो को तो अरे और अब मारते हैं इसको, टूटना नहीं चाहिए, देखना टूटने वाला रहेगा तो बोल देना, नहीं तो ये सीआरपीएफ वाला, इसमें मेरा भरोसा नहीं है, हाँ तो वो खाली डंडा उंडा के लिए है, चोट लगता है कि नहीं, चोट तो नहीं लगा, इसमें पूरा कवर किया हुआ है ना, लग रहा है उसमें तो पता ही नहीं चल रहा था, पर इसमें इधर इधर ना लग रहा है, जैसे तो ठीक से लगा एक बार, पूरा ठीक से लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या, लगा हल्का हल्का फीलिंग, उसमें ज्यादा कम्फर्टेबल था, इसमें कम्फर्टेबल नहीं, और हिल जा रहा है पूरा, मान लीजिए इसमें जोर से मारे एकदम टूट जाएगा, मतलब एक शॉट मार तो टूटा टूटा बच गया ना, तब एक लास्ट शॉट टूटा टूट गया, हथौड़ी टूटा ये नहीं टूटेगा, चलो इसमें भी बॉम्ब टेस्ट कर ही देंगे, कौन कौन सा बॉम्ब से झेल पाता है, क्योंकि आप वीडियो बना रहे हैं तो एक तो हेलमेट बर्बाद कर ही देंगे, सब में से एक एक तो, मतलब तीन तो हेलमेट बर्बाद करेंगे हम लोग, तीन तो नहीं हो पाएगा, वो सब तो नहीं झेल पाएगा, वो तो अभी हथौड़ा से खराब हो गया, तो उसको टेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम हाँ, उसको टेस्ट करेंगे, सीधा ये कहाँ गया ओरिजिनल वाला को, अभी हम अंदर रख दिया, तो उसको टेस्ट करेंगे ओरिजिनल, और इसको ये तो कोई काम का नहीं है, मतलब ओरिजिनल है लेकिन ये डंडा उंडा को झेलने के लिए, मार तो इसको मार इधर से ना, वो टूट जाएगा, ये डुप्लीकेट है बस, जमा करने के लिए यूज होता है, ओरिजिनल वाला का हम टेस्ट कर रहे हैं, तो ओरिजिनल वाला चेक करेंगे, क्योंकि ये चेक करो कोई फायदा नहीं है, ये तो एक्चुअल में हम बता दे रहे हैं, एक्चुअली में हम सही में बताए तो मेरा कोई ध्यान में नहीं है, मतलब भूल गए हम भी, वो सीआरपीएफ है, बीएसएफ का है, किसका है, पुलिस का है, कोई मेरा को ध्यान में नहीं है,
तो ये मतलब डंडा के लिए बस बना हुआ है एक्चुअली में, बस जमा करने के लिए आप आराम से यूज कर सकते हो, और कोई जमा कर सकते हैं और कोई काम का नहीं है इसमें। ये भी हम लोग आपको बता ही दिए कि ये हेलमेट का ओरिजिनल जो सेफ है ना यहाँ से उसका इसमें कोई अंतर ही नहीं है, डिफरेंट है ही नहीं। हाँ डिफरेंट एक ही चीज है जो उसमें साटने वाला छोटा, ये वाला जो आप डिफरेंट देख रहे हैं बस अंदर का कवर का डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो ये आपको आराम से जमा हो जाएगा हम बता रहे हैं, बस दाम का थोड़ा सा फर्क है। छोड़ देना टूटेगा नहीं, बेकार में दुकान छूट जाएगा लेकिन ये टूटेगा। अरे रखना, पैर से क्यों लगा रहा है, पैर से क्यों लगा रहा है, अरे तो कुछ होगा था नहीं, टेस्ट नहीं, नहीं होगा लेकिन पैर नहीं लगाना चाहिए। ओ लगा, ओ रंग उधर वो तो सब जगह ही स्क्रैच पकड़ा है। हां चलो कोई नहीं, फिलहाल पापा आ जाते हैं, उसके बाद करेंगे बॉम्ब टेस्ट, क्योंकि पापा आएंगे, पूजा होगा, फिर हम लोग घर पे जाएंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। और हाँ, वो जो हेलमेट टूट गया था वो तो जो हथौड़ा मारने से, वो तो पहला बात तो ओल्ड मॉडल था, और दूसरा बात तो वो पुराना भी हो गया था, तो उसका मतलब एक होता है ना कि पावर कम जाता है, जैसे कि लोहा में रखा जंग लग जाता है, फिर जैसे कि प्लास्टिक रखा वो गल जाता है, उस टाइप में वो मतलब एक होता है कि टाइमिंग के बाद वो धीरे धीरे अपना ताकत खोने लगता है, उसलिए उसका पावर कम गया था, तो उसलिए वो टूट गया, वरना वो भी अपना ज़माने में अच्छा खासा बुलेट प्रूफ हुआ करता था। अभी फ़िलहाल तो ये आ चुका है न्यू वाला, तो यही चल रहा है, और इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे। और हम बार बार बता रहे हैं कि जो भी लोकल लोग देख रहे हैं, लोकल लोग आम पब्लिक देख रही है, उन लोग के लिए ये नहीं है, उन लोग को हम पहला बार तो बेचेंगे भी नहीं, और अगर मतलब गलती से मतलब आप ख़रीद लेते तो ये मतलब कि बहुत रिस्की चीज़ है, हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बुलेट प्रूफ है, तो ये स्पेशली बस आर्मी के लिए ही है। और आप लेके करेंगे भी क्या है, मतलब वो इतना दाम का हेलमेट लगा करके, लुक वाइज भी उतना अच्छा नहीं है, मतलब इतना दाम का हेलमेट लगा करके बाइक चलाने में कोई खास बात नहीं है, उतना दाम का आप एक तो अच्छा गुड लुकिंग हेलमेट ले सकते हैं, तो वही बात है, हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि इसको ना ही खरीदे तो अच्छा रहेगा, मतलब बस आर्मी लोग के लिए ही है स्पेशली। और एक और गुड न्यूज़ है कि हम लोग का कुछ ही दिन में 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, मतलब 2K सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यही हम बोलेंगे 5K हो जाने के बाद या तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होगा, या तो वेबसाइट खोल देंगे हम, या फिर किसी को कॉल में बात करने के लिए रख लेंगे, मतलब जैसे आप 2400 घंटा जब भी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको उसी समय इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, उसके लिए रख लेंगे, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मतलब कॉल अवेलेबल नहीं है, मतलब वेबसाइट और ये सब हम कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा GST का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर हम GST लगा देंगे तो 18% GST है, तो उसका वजह से प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, हम चाहते हैं आप लोग को बहुत ही चीप में प्रोवाइड कर सके, ताकि आप लोग भी खरीदे, क्योंकि मतलब आप लोग इतना दूर से मांगाते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो आप लोग को भी कुछ सस्ता पड़े। तो क्या कर रहा है, फौजी बन रहा है, फौजी बनना है तो जाके ओरिजिनल में बनना, खाली सॉफ्ट वाला फौजी बनेगा। हाँ तो अब हम लोग जा रहे हैं, कैंडल इतना सारा, अरे ये ब्लॉग नहीं है ब्लॉग, अरे देखिए दुकान में कुत्ता घुसा आया खुलेआम, ये क्या पाला हुआ कुत्ता है क्या, तो पाला हुआ कुत्ता लग रहा है। लड्डू लेके जा, जो डब्बा दे देना, जो जिसको जितना लेना है वो लेता जाएगा। रिपोर्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल में कहीं बहुत बड़ा फ्लैट आने वाला है, फ्लैट नहीं बारिश आएगा तूफान आएगा, हाँ वही, और हम लोग ऊपर में पैराशूट लगा के रखे हुए छत पे, खोल लेना अभी तो प्रसाद कुत्ता को भी खिलाते हैं, ले लो और डर जाएगा। तो अब यहाँ पे पूरा ही पैक हो चुका है बक्सा लगने के बाद, और बाइक इधर पार्क कर दिया, और इसमें चलते हैं ग्रीन बार नाम का बार है, चल दादू तो पीते नहीं। तो गाइस एक बैड न्यूज़ है, पीछा ख़त्म हो गया है, तो अब हम लोग जूस पियेंगे बस, चल। ये देखिए रात का टाइम है, बोडाउन में आना पड़ा है हेलमेट लेने के लिए, ये देखिए सब पूरा कचरा बना हुआ है अभी, तो इतना सारा बॉम्ब लेके आया है हेलमेट टेस्ट करने के लिए, देखिए बहुत सारा बॉम्ब है, चॉकलेट बॉम्ब, कौन कौन सा बॉम्ब है, चलिए टेस्ट करते हैं, मीठा तो बॉम्ब, चॉकलेट बॉम्ब, उठा उठा बॉम्ब, बॉम्ब इधर भी बॉम्ब, इधर भी बॉम्ब, इधर भी बॉम्ब, हो गया खत्म, बंद कर दे। तो ये सब हम लोग टेस्ट करेंगे, और भी है, चल ना चल सब उड़ा देंगे यार।
और ये देखिए घर पे भी पूजा हो गया यहाँ पे हम लोग का। और बेवकूफ जला गया क्या चीज से, लेके तो जा रहा है। केदारनाथ बना हुआ है हम लोग का, बुलेट प्रूफ का ऊपर ना रॉकेट बम ऐसे लगा देगा ऊपर, बूम सानी फोड़ेगा, बुलेट प्रूफ फट जाएगा। लेकिन नहीं फटेगा, लेकिन किसी का माथा उधर मिल गया तो हम लोग केस कर देगा वो। आर्मी स्टोर ने मेरा माथा आर्मी स्टोर वाला पागल हो गया। तो अब हम लोग करेंगे हेलमेट का टेस्टिंग, सेकंड टेस्ट। ठीक है, पहला टेस्ट पास कर दिया, दूसरा बार बुलेट प्रूफ हेलमेट पास हो पाता है कि नहीं। चॉकलेट प्रूफ में आपको पता है बहुत पावर रहता है, तो देख के भागना, नहीं तो डर लग रहा है। ये सब बालू जो है ना, उधर से भागना, उधर से टाइम तो देता है इसे। चल 3 2। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? बचा बचा बचा, ये गया गया। नहीं नहीं, बच गया बच गया, क्या बात है। अरे ये अंदर का गया, अंदर का गया। अरे साला दो ब्लास्ट में गया। नहीं गया नहीं है, ये उतरा है, ये उतरा है। थंबनेल अच्छा जाएगा, मेरा हाथ में पूरा खून खून ना। अरे खून खून छोड़ ना, ये गया नहीं, ये फोम उतरा है, क्योंकि फोम तो प्लास्टिक का होता है। ये देखिए पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, 555 अभी तक दिखाई रहा है। लेकिन कुछ एक्शन में देखिए कुछ भी नहीं हुआ, ये बस जो है ये फोम था वो। लेकिन एक चीज है, इसका ऊपर में इतना बड़ा ईंटा रखे, इतना बड़ा ईंटा, मतलब पूरा फोर्स जो है ये हेलमेट भी इतना ऊपर तक उड़ गया था। सोचिए बहुत पावर है। देखिए हम लोग सुबह में टेस्ट करेंगे, क्योंकि रात में क्वालिटी भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो सुबह ही टेस्ट करेंगे। थंबनेल भी ले लेंगे सुबह में, सुबह में आप लोगों को क्वालिटी भी अच्छा दिखाई देगा। तो सुबह होता है, तो फर्क कहाँ से पड़ेगा, बुलेट प्रूफ हेलमेट है, भारी है ये, बाप रे। ओरिजिनल बम उड़ा देने से कुछ नहीं होता, तो कुछ भी नहीं हुआ, एकदम आराम से गिफ्ट वही का वही है। अंदर में जो फोम था वो थोड़ा जल गया, अब सुबह देखते हैं क्या होता है। तो आज ये दूसरा दिन है, हम दूसरा दिन को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि रात में तो आप लोग देखेंगे क्वालिटी बेकार आ जा रहा था, तो सोचे सुबह में शूट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल तो हम लोग सभी बम फोड़ दिए थे, ये कुछ ही बचा हुआ है, ये सब चॉकलेट बम, ये तो पूरा पैकेट फुल ही है, और इसमें तो ये सब ये सब चीज़ झेल लेता है तो हम लोग लास्ट में इस सैंड ये सब कुछ सैंड लगा करके आ गए, मतलब हेलमेट बर्बाद करना ही है बुलेट प्रूफ। और माइक भी ले करके आ गए हैं, जो कि आप लोग को क्वालिटी अच्छा दिखे, ट्राईपॉड भी है, मतलब ये सब है मेरे पास एक्चुअल में पहले से, लेकिन थोड़ा ये लगाने के बाद सब जन देखेंगे तो क्या सोचेंगे दुकान पे, उसने हम दुकान पे ये यूज़ नहीं करते हैं, तो इधर में यूज़ करेंगे इसको, इसको सेट कर दे, अपना फ़ोन सेट करने, तो फिर इस फ़ोन से हम एक सूट करेगा तो अपना फ़ोन सेट कर ले इसमें। हाँ बेचारा बुलेट प्रूफ हेलमेट, आज इसका कल्याण है, वही देखिए वही 555 79 वाला आज इसका कल्याण है। कल देखिए, कल जो फोड़े थे वो यहाँ पे हल्का सा डैमेज दिया था, जो कि बस थर्माकोल को निकाला है और कुछ इसको खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जब तक हम लोग हैं तो इसको चैन से रहने कहाँ देंगे। तो इसको ब्लास्ट करेंगे हम लोग। चल क्या फ़ोन सेट करना, इतना देर से नहीं किया तू, अपडेट कहीं मेरा वो स्ट्राइक ना आ जाए, गाना बज रहा है बगल में जबकि हम बजा भी नहीं रहे। ओए इसको अंदर डाल, सेट कर, इसको सेट कर, सेट कर। क्या कर रहा है तू, टाइम पास किस लिए कर रहा है? हाँ वही तो, फिर पैसा भी नहीं कमा पाएगा। क्या अब कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से, भी हम लोग ध्यान दिए कि कल इसका नॉट खुल गया। ये देखिए यहाँ पे नॉट, हाँ बम ब्लास्ट किया था। तो क्यों इधर क्या कुछ था क्या, पहले नॉट भी था क्या? नॉट पे तो हम गौरी नहीं गया, नॉट निकाल तो, नॉट नॉट तो निकल जाएगा, ऐसे निकाल तो। अरे साला ये बम का वैसे हुआ, हाँ बम का वैसे बिना स्क्रू का ही निकल गया, ध्यान नहीं दिया था कल में, बट अब इसको कस देते, नहीं तो कोई फौजी लेंगे नहीं, पैसा नहीं दे। और वहाँ पे देखिए एक न्यू बोडाउन बना हुआ, जो उधर आप देख रहे हैं वो न्यू बोडाउन है, और ये प्लास्टिक का भी हटा करके उसमें भी वो टीना उना लगा देंगे सामान रखने के लिए, उसका पीछे भी बोडाउन है। और तो, अगर आप लोग कल ठीक से नहीं देख तो चल ये देखिए, ये इसको देखिए कैसा हो गया हाल। ये कल तो मेरा ये हाथ में फट गया था बम, ये बम नहीं, मिर्ची बम फट गया था हाथ में, तो ये अच्छा बात है कि उतना मेरा हार्म नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, बच गए, किस्मत अच्छा था। तो आप करते हैं टेस्ट, तू थोड़ा दूरी हो जा, तेरा चप्पल नहीं है ऐसे ही, तो हम कैमरामैन थोड़ा, चल निकल। तो अभी हम लोग डांट सुने अपना पड़ोसी से आगे, क्योंकि आके हम लोग को बोले कि ऐसे मत उड़ाओ, क्योंकि इसका फोर्स से इतना ऊपर तक उड़ गया था, और अगर कहीं उड़ के उनका घर में चला जाता है किसी, अगर एसी बगल में अगर एसी उसी टूट जाता, टूट गया तो हम लोग 50 देना पड़ेगा, तो इसीलिए। पर ऐसे कुछ हुआ नहीं इसमें, ये देख सकते हैं
और मैंने तो कैमरा उसमें रिकॉर्ड हुआ कुछ हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये एक्चुअली बुलेट प्रूफ है, कहाँ से फर्क पड़ा है, लेकिन हम लोग है फिर भी थेता है तो एक्सपेरिमेंट करना तो छोड़ेंगे नहीं, भले आंटी बोले अंकल बोले चाहे कुछ भी हो, तो एक दो और टेस्ट कर देता है। खतरनाक बोला, बोलते क्या करेगा इसका अंदर पूरा फॉग मार दे, फॉग का अंदर पावर रहता है, आँख जल जाएगा, जली जाएगा, बाहर में मार दे, बाहर में मार दे, ऐसा मार की ना आग लगा दे एकदम, आग ही लगा देता है या उसमें चॉकलेट बॉम्ब मिर्ची बॉम्ब सब एक बार में लगा करके पूरा फोड़ के भागेगा नीचे, आंटी उंटी जो आएगा बोलते अचानक से जाएगा एसी उसी सी सब ऊपर बढ़ेगा। तेरा गारंटी आया था, बहुत डांट सुनेगा। एक तो ये फॉग है जो 185 आई है, फुल है, न्यू है एकदम फॉग। आग लगाएगा क्या, मार दे आग, सलाई मार दे सारा, देखता है क्या होता है, आज आज पता चल जाए, आज मार खा लेगा हम लोग। एकदम देखिए, हाँ अंदर से मेन बात है वो कपड़ा दिया हुआ है, वो जल ही जाएगा, और बाहर का पता नहीं, वो बुलेट प्रूफ तो है, बुलेट प्रूफ तो है, फायर प्रूफ है या नहीं देखते, हाँ हाथ में देख करके ठीक से, ओह नहीं हुआ, आराम से आराम से, लाइट खत्म होने वाला है जल्दी करना, अरे ज्यादा मत मार दे, जल गया, क्या बात कर रहे हैं, जला हुआ है, क्या बात कर रहे हैं, अभी हम खुद देखा जला हुआ, क्या बात कर रहे हैं, आग लगा है क्या इसमें, ना 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 नहीं जला, नहीं जला, जला है क्या, अरे आग लेकिन था, हम देखा है भी इतना था, बुझ गया होगा ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आधा तो हम लोग उड़ा दिए, हाँ चल ना ये करता है, उड़ाता है फॉग का सेंट, बहुत बेकार है, पूरा माथा घुमा दिया फॉग, मेरा वो बेकार लगता है, मेरा को भी वो एक्सल ठीक लगता है, तो एक और बार ट्राई करते हैं, क्या चॉकलेट बॉम है, भागना खाली पैर है, तो देखते हैं आंटी से हम लोग डांट सुनेंगे, इतना कन्फर्म है, एक बार तो सुन के गए हैं, फिर से सुनेंगे हम, इस बार हेलमेट वेलमेट लेके भाग जाना एकदम, आंटी डांटे उससे पहले ही, ये हुआ है, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा यार आंटी से डांट सुनेगा अब हम लोग, देखा तो क्या हुआ है आंटी का क्या, अरे पूरा अंदर बारूद बारूद भर गया, धुआं फेंक, लेकिन कुछ हुआ नहीं एक्चुअल में, कुछ हो ही नहीं रहा है साला, क्या होगा ये असली का बुलेट प्रूफ है, अभी इसको देखिए हम लोग इतना टेस्टिंग कर दिया, अब क्या टेस्टिंग करें, कुछ नहीं होगा, ये बुलेट प्रूफ है, इसको बुलेट मार कर तो टेस्ट नहीं कर सकते, बुलेट मारने से लगता है कुछ असर पड़ता चलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है इसको, फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ तो हम लोग ये डिसाइड किया कि ये वीडियो को यहीं पे बंद करना होगा, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है, क्या बोले ना, इसका अंदर मिर्ची बम का एक पैकेट ही रख देने का, लेकिन फिर जाके ये पूरा अंदर का जल जाएगा, तो हाँ जल जाएगा वो बात है, इसलिए नहीं रख रहे हैं, उस समय देखिए जो हम लोग फॉग लगाए थे उसे जला जरूर है, देखिए क्योंकि बुलेट प्रूफ अगर आग लगाएंगे तो जलेगा ही, तो यहाँ देखिए इधर का पूरा कलर डिसकलर हो गया, और यहाँ पे बम उड़ाने का वजह से नहीं, मेरे को लगा जलने का वजह से हुआ, हाँ वो जलने का वजह से हुआ, तो पता नहीं जो भी है, लेकिन ये हेलमेट को अभी भी कुछ हुआ नहीं, और मेरा को नहीं लगता है कुछ होगा अभी, अब तो इसको हटाते हैं और बॉम्ब रखते हैं, छठ पूजा में फोड़ेंगे अब, करते हैं इस बार का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ये इसमें जो है हम लोग खुद से हेलमेट टेस्ट किए हैं, क्योंकि अब गन बुलेट तो है नहीं जो कि फायर कर दे, तो जो था हम लोग का दिमाग में काम किया वही सबसे टेस्ट कर दिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अब हम लोग जो भी चीज़ करेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना करके वीडियो करेंगे, तो और भी ज़्यादा आप लोग को मज़ा आने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।